नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूं आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज़ वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। बगाज माता मंदिर परिसर एवं मेला स्थल पर नवरात्रि के चलते चाक चौबंद व्यवस्था। व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों ने किया निरीक्षण। टीकमगढ़ कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी के निर्देशानुसार नवरात्रि पर्व के दौरान टीकमगढ़ तहसील में स्थित बगाज माता मंदिर में व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु समुचित व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत संबंधित अधिकारियों द्वारा नवरात्रि में विशेष रूप से नवमी के दिन होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने हेतु तथा मंदिर में सुगमता से दर्शन एवं मेला ग्राउंड में समुचित व्यवस्था के संबंध में निरंतर निरीक्षण किया। साथ ही व्यवस्थाओं के संबंध में ड्यूटी पर उपस्थित कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। टीकमगढ़ तहसील में स्थित बगाज माता मंदिर में नवरात्रि में विशेष रूप से अष्टमी एवं नवमी के दिन होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने हेतु तथा मंदिर में सुगमता से दर्शन एवं मेला ग्राउंड में समुचित व्यवस्था की गई है। इस हेतु पुलिस एवं वन विभाग के जवानों को तैनात किया गए हैं। साथ ही मंदिर स्थल पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम में माइक द्वारा लोगों को मंदिर एवं मेला में भीड़ नहीं लगाने तथा मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग हेतु अनाउंसमेंट किया जा रहा है तथा सफाई कर्मियों द्वारा मंदिर परिसर एवं मेला परिसर की निरंतर सफाई की जा रही है। टीकमगढ़ से परशुराम अहिरवार की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।